सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पे ताकि आप देख पाएं गेमिंग वीडियोज सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? टी गेमिंग सीरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पबजी गन्स के बारे में। अगर आप पबजी खेलते हो तो आपकी कुछ ना कुछ ऐसी गन होती है जो कि बिल्कुल फेवरेट होती है, जैसे कि M416, AWM, Kar98 और बहुत सारी गन जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग फेवरेट होती है। लेकिन गाइस, जब भी आप पबजी के अंदर लैंड करते हो, लैंड करने के बाद जो है आप मतलब घरों में जाते हो और वहां पे लूट करते हो, तो गाइस आपने एक बात नोटिस की होगी कि कुछ ऐसी गन्स होती है जो कि बिल्कुल मतलब की पड़ी रहती है, उन्हें कोई भी नहीं उठाता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रॉसबो का और बहुत सारी ऐसी गन्स होती है जिनको आप बिल्कुल फेवरेट नहीं मानते और आप सोचते हैं कि गन बिल्कुल बेकार है। तो आज जो है हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पबजी की ऐसी गन जो कि बिल्कुल हिडन होती है और जो है उनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, मतलब कि वो होते आपके सामने है, जैसे कि क्रॉसबो गन होगी और बहुत सारी गन्स होती है जो कि पबजी के घरों में पड़ी रहती है, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं और आप समझते हैं इनका बिल्कुल काम नहीं होता, ये एनिमी को किल नहीं कर पाएगी। लेकिन आज जो है उन्हीं का कंपैरिजन करने वाले हैं, मतलब कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि क्रॉसबो वीएस कार 98, मतलब कि कौन सी गन बेटर है कौन सी गन बेटर नहीं है। आज हम जो है एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि आपकी जो है आप जिसे मतलब कि बेटर मानते हो गन वो बेटर है, या फिर जो है ऐसी आप जिन गन को आप बेटर नहीं मानते हैं वो गन बेटर है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी गन्स बताऊंगा पबजी के अंदर जिन्हें आप बिल्कुल भी मतलब कचरा समझते हैं, लेकिन उन गन का पावर जान के आप खुद कहोगे कि वायर अब तो रियली में बता दिया कि पबजी में ऐसी गन भी होती है जिनका पावर जो है हम कभी नहीं जानते थे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसी गन पबजी की हिडन गन्स जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते और उनका पावर जान के आप कहोगे कि वाकई में ये भी कुछ गन जो है कुछ काम की है। तो चलिए गाइस, लेट्स गो। सो एवरीवन, यहां पे आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं यहां पे ट्रेनिंग रूम में, और ट्रेनिंग रूम में आने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है मैं कुछ गन्स उठाऊंगा, और गन्स उठाने के बाद सबसे पहले यहां पे देखिए वैसे बहुत सारे पे गन्स पड़ी है, लेकिन गाइस हम जो है ऐसी गन्स की आज बात करने वाले हैं जिनको आप बिल्कुल बेकार समझते हैं। तो गाइस, हमने सबसे पहले मैंने यहां पे देखिए क्रॉसबो जो गन है उस क्रॉसबो गन को मैंने यहां पे देखिए उठा लिया है। क्रॉसबो गन को उठाने के बाद कुछ गाइस जो है मैं एमओ उठाऊंगा, क्योंकि एमओ बहुत जरूरी है, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो एमओ बहुत ही जरूरी है। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मजा देने वाला है। सो एवरीवन, यहां पर देख सकते हैं मैंने 15 जो है एमओ उठा लिए हैं जो है क्रॉसबो के। उसके साथ साथ मैं एक बैकपैक उठा लेता हूं, बैकपैक बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ गन्स में कुछ एमओ वगैरह लगेंगे। उसके बाद गाइस मैं आ चुका हूं यहां पे, और सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पे कार 98 वीएस क्रॉसबो का हम जो है आज कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सी गन जो है बेटर है। सो एवरीवन, यहां पे देखिए मैंने कुछ जो है एमओ उठा लिए, और एमओ उठाने के बाद मैं जाता हूं यहां पे सबसे पहले वहां पे जो है मतलब चलाने के, उससे पहले मैं यहां पे जो है कुछ मतलब कि स्कोप ले लेता हूं। मैं एक लूंगा स्कोप 6x, और दूसरा जो मैं स्कोप लूंगा वो लूंगा मैं पे जो है 4x। लेकिन मेरे को यहां पे 4x बिल्कुल दिख नहीं रहा है, अब जाके मेरे को 4x दिखा है, तो मैंने यहां पे देखिए 4x ले लिया है। 4x लेने के बाद गाइस मैं आ चुका हूं यहां पे, और यहां पे आने के बाद सबसे पहले जो है हम मतलब कि करेंगे हेडशॉट की तैयारी, मतलब कि दोनों जो गन है वो दोनों गन सही तरीके से हेडशॉट दे भी पाती है या फिर नहीं दे पाती है। उसके बाद जो है हम इनका डैमेज का भी कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी गन जो है डैमेज ज्यादा देती है और कौन सी गन जो है डैमेज कम देती है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं जो है 50 मीटर के मतलब कि दायरे पे दूर आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे पास है क्रॉसबो, और क्रॉसबो के अंदर लगा रखा है मैंने 4x, और मैं यहाँ पे जो है मतलब सेंटर के अंदर बीच के अंदर मैं गन चलाऊंगा, और यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर के अंदर बीच के अंदर जो है फायर कर दिया, और गाइस एकदम एग्जैक्ट मतलब कि बिल्कुल हेड शॉट लगा है, देखिए तीर बिल्कुल हेड शॉट लगी है, मतलब कि क्रॉसबो का जो अगर आप मतलब कि हेड शॉट देना चाहते हैं तो आसानी से गाइस आप जो है हेड शॉट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल हमारा जो है सक्सेसफुली गया है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कार 98 का। तो कार 98 का बात करने से पहले हम जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है मतलब 4x लगा के कार 98 की बात की, और कार 98 का बिल्कुल सक्सेसफुली हेडशॉट गया, मतलब के बिल्कुल सही गया है। लेकिन गाइज अभी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है गाइज पूरा का पूरा कि कौन किंग है और कौन किंग नहीं है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे रुक जाता हूं मैं थोड़ा, और रुकने के बाद गाइज यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है मतलब इधर इधर प्लेटें जा रही है, ये जो है ऐसा है कि एनिमी मतलब हिल रहा है, और एनिमी हिलते हुए एनिमी पे ये सही तरीके से फायर कर पाती है या नहीं कर पाती। वो क्रॉसबो से मैंने गाइज गन चला मतलब कि एक फायर किया और सक्सेसफुली मेरा फायर जो है चला। उसके बाद गाइस मैं यहां पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं कार 98 का कि कार 98 सक्सेसफुली वर्क करती है। सो गाइस, कार 98 बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क कर रही है, लेकिन अब जो होगा इनका असली मुकाबला कि कौन किंग है और कौन किंग नहीं है। जी एवरीवन, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब आ चुके हैं हम यहां पे गैरेज में, यहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, और मैं यहां पे जो देखिए एनिमी यहां पे कोई है नहीं, क्योंकि हम ट्रेनिंग रूम में किसी को मार नहीं सकते, लेकिन मैं इनके जो है मतलब कि टायरों पे गोलियां चलाने, आप देखिए क्रॉसबो से मैंने गोली चलाई है, क्रॉसबो से मैंने गोली
चलाई और जैसे मैंने क्रॉसबो से गोली चलाई बिल्कुल एग्जैक्ट इतना ज्यादा डैमेज मिला क्रॉसबो से कि गाइस जो है गाड़ी का टायर फट गया। लेकिन अब हम चलाने वाले हैं कार 98 जो कि काफी लोगों की फेवरेट रहती है, मेरी खुद की फेवरेट है, लेकिन आज मैंने पावर इनकी जान ली है। गाइस देखिए मैंने कार 98 का एक शॉट दिया, ओके देख सकते हैं भाई शॉट लगा हुआ है लेकिन बिल्कुल भी जो है गाड़ी का टायर नहीं फटा है। तब खुद देख सकते हो कि किसका डैमेज ज्यादा है और किसका डैमेज कम है, जो कि आप खुद देख सकते हो। लेकिन उसी की जगह अगर मैं क्रॉसबो निकाल के यहाँ पे अगर फायर करता हूँ तो 100% मेरे को पूरा यकीन है कि क्रॉसबो से जो है गाड़ी का टायर फटेगा ही फटेगा। गाड़ी के टायर पे हम इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी का टायर जो है एक एनिमी की तरह है, मतलब कि डैमेज का हमें पता चल जाता है कि किसका डैमेज ज्यादा है किसका कम है। सो एवरीवन यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम ट्राई करने वाले हैं बगी पे जो है हम मतलब कि दूर से जो है यहाँ पे सबसे पहले मतलब कि गन चलाने वाले हैं। तो गाइस ये पर देखिए बगी पे मैंने लगाया और सिंपली गाइस सक्सेसफुली जो है क्रॉसबो ने वर्क किया, मतलब थोड़ा मैंने दूर से चलाई लेकिन सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क किया। लेकिन कार 98 वापस से मतलब कि क्या हमें जो है परिणाम देने वाली है आप खुद देख सकते हैं। सो एवरीवन यहाँ पे देखिए मैंने कार 98 से एक शॉट मारा, कुछ नहीं हुआ। मैं कार 98 से दूसरा शॉट मारता हूँ, अब देखिएगा दूसरा टायर फट जाएगा, शायद मेरा यकीन है कि टायर फटेगा। लेकिन अब जो है हम मतलब कि दूर जाके ही चलाएंगे, पास में आके बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चलाने वाले हैं। सो गाइस मैं कुछ दूर जाके यहाँ पे जो है कर लेता हूँ क्योंकि देखो दोस्तों अगर क्रॉसबो है तो क्रॉसबो जो है इसकी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी क्रॉसबो की बहुत है। सो एवरीवन यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉसबो के अंदर मैंने लगाया हुआ है 8x और अब मैं जो है यहाँ पे गाड़ी का टायर फोड़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा मैं दूर हो जाता हूँ और अब मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि अब यहाँ पे जो है क्रॉसबो किंग है दूर के एंगल के लिए, पास के एंगल के लिए क्रॉसबो किंग है लेकिन दूर के एंगल के लिए मैंने यहाँ पे देखिए तीर चलाया लेकिन जो मैंने निशाना लगाया था निशाना बिल्कुल भी नहीं लगा और मेरा क्रॉसबो हो चुका है यहाँ पे फेल। मैं दूसरी यहाँ पे जो है गन मतलब शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये अभी भी काम नहीं करेगा और यहाँ पे देखिए ये भी निशाना हो चुका है मेरा फेल। मतलब कि हमने यहाँ पे देख लिया है कि पास के एंगल के लिए अगर पास में हो मतलब कि अगर आपका 200 मीटर का दायरा है तब तो आपको क्रॉसबो किंग है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो है दूर के एरिया के लिए यहाँ पे जो है कार 98 किंग ही होगा क्योंकि कार 98 काफी हद तक जो है दूर यहाँ पे जो है शॉट ले लेता है। यहाँ पे देखिए कार 98 से मैंने शॉट लगाया, बिल्कुल एग्जैक्ट शॉट लगा। हाँ गाड़ी का टायर नहीं फटा है, अब जाकर टायर फटा है लेकिन आसानी से जो है मेरा शॉट बिल्कुल एग्जैक्ट लगा। तो गाइस यहाँ पे यही था इसका एक्सपेरिमेंट गाइस कि मतलब कि क्रॉसबो जो है बिल्कुल किंग है पास के एंगल के लिए। अगर आपके सामने कोई घर है और वहां पे कोई एनिमी है तो आप आसानी से क्रॉसबो चला सकते हो, बिल्कुल आवाज नहीं होगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेज यही है गाइस कि इसकी जो फायर जो मतलब इसमें जो तीर निकलती है वो बहुत मतलब दूर तक नहीं जाती है, बिल्कुल पास में रह जाती है और दूर के एंगल के लिए कार 98 बेटर है। अब गाइस हम जो है दूसरी गन का एक जो है करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट कार 98 के साथ में क्रॉसबो। तो हमारी जो है हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि पास के एंगल के लिए क्रॉसबो है लेकिन दूर के एंगल के लिए क्रॉसबो नहीं है। लेकिन एक गन पबजी के अंदर ऐसी भी है जिनको मैं बार बार देखता आ रहा हूं लेकिन कभी भी मैंने गेम प्ले में ऐसा नहीं देखा कि किसी भी मतलब कि जो है लीडर ने जो है उस गन को लिया है। तो गाइस मैं यहाँ पे गन ढूंढ रहा हूं लेकिन यहाँ पे मेरे को गन नहीं मिली है। सो गाइस मैं आगे की तरफ जाता हूँ, वो गन ढूंढ रहा हूँ, वो गन बहुत कम मिलती है लेकिन वो सबसे लास्ट में मिलेगी मेरे को शायद तक। सो गाइस यहाँ पे भी शॉर्ट गन्स पड़ी है, कोई भी यहाँ पे गन नहीं है लेकिन मेरे को यहाँ पे भी गन नहीं मिलेगी, लास्ट में शायद मेरे को गन मिलेगी। यहाँ पे भी गन नहीं है गाइस लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ तो गाइस मेरे को यहाँ पे जो है गन मिल जाएगी। गन का नाम है Win 94। जी हाँ गाइस Win 94 यहाँ पे मैंने गन ले ली और गन लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाता हूँ मैं सबसे पहले वापस से वहीं पे जहाँ से वापस से आया था, जहाँ पे हमने क्रॉसबो और जो है हमने कार 98 का एक्सपेरिमेंट किया था। तो गाइस यहाँ पे जो है इसका सबसे डिसएडवांटेज इस गन का यही है, जो Win 94 जो गन है इसका एडवर्टाइजमेंट यही है कि गाइस इसमें जो है 4x ना ही कोई एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी नहीं लगता है लेकिन इसका पावर आप खुद भी जान के बोल सकते हो कि वाह वाकई में इसका पावर है। सो गाइस मैंने ये जो है गन निकाल ली है, कोई भी 4x नहीं लग रहा, मैं चेक कर रहा हूं लेकिन कोई यहां पे 4x नहीं लग रहा है। सो एवरीवन यहां पे देख सकते हैं मैंने गन चलाई और देखिए एक ही शॉट के अंदर यहां पे जो है नहीं फटा है। लेकिन गाइस मैंने दो शॉट चलाई और दो शॉट में यहां पे जो है टायर फट गया है। लेकिन अब हमें ट्राई करने वाले हैं कार 98 के बारे में। तो कार 98 से मैंने जो है 6x जो है हटा लिया है और अब मैं यहां पे देखिए चलाने वाला हूं। एक शॉट में इससे भी नहीं फटा लेकिन दूसरा शॉट जैसे लगता है यहां पे देख सकते हैं टायर फट चुका है। मतलब कि गाइस यहां पे आप देख सकते हो ये छोटी सी गन है जिसको हम बिल्कुल बेकार समझते हैं, छोटी सी इसमें मतलब कि गोलियां आती है लेकिन इसका भी आप डैमेज देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा डैमेज है जो कि हमें यहां पे देखने को मिलता है कार 98 के मुकाबले जो है ये मतलब कि कर रही है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज यही है कि हम जो है इसको दूर से नहीं चला सकते और पास के एंगल से गाइस हम नहीं चला सकते। इससे गोलियां कितनी फास्ट निकल रही है आप खुद भी यहां पे देख सकते हो गाइस, देखिए कितनी फास्ट गोलियां निकल रही है। देखो कार 98 से मैंने गोलियां चलाता हूं, पहले मैं रीलोड कर लेता हूं, कार 98 के रीलोडिंग टाइम भी उसकी ज्यादा फास्ट है और जो है कार 98 की कम है, यहां पे कार 98 में गोलियां चला रहा हूं, देखो रीलोडिंग टाइम कितना ज्यादा है, देखिए
बहुत ज्यादा रिलोडिंग टाइम है, लेकिन यहाँ पे मैं इस गन को चलाता हूँ, ओके ये गोली निकली, ये गोली निकली, वापस ये गोली निकली, मतलब कि काफी फास्ट है ये, लेकिन इसकी डिसएडवर्टाइजमेंट यही है कि मतलब यहाँ पे जो है ये दूर के एंगल के लिए बहुत मतलब बेकार है, दूर के एंगल के लिए नहीं है, आप पास के एंगल के लिए आप जो इसका यूज कर सकते हो। सो एवरीवन यही था इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं इस वीडियो का 1000 लाइक का प्लीज कंप्लीट कर लेना यार, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहती है, बहुत सारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए गाइज अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय।